एक टेलीविजन चैनल पर बोलते हुए हुद भॉय ने हिजाब और बुर्का में कक्षाओं में भाग लेने वाली छात्राओं की बढ़ती प्रवृत्ति पर निराशा व्यक्त की थी और उन्होंने कहा था कि कायदे ए अजाम यूनिवर्सिटी में हिजाब बुर्का आम हो गया है और आपको कैंपस में एक सामान्य लड़की नहीं मिलेगी। वहीं अपने तीखे हमले को जारी रखते हुए हुड भॉय ने कहा था, और जब वह हिजाब पहनकर कक्षाओं में बैठती है तो व्याख्यान के दौरान उसकी गतिविधियां और भागीदारी काफी कम हो जाती है और यह भी नहीं लगता कि वो कक्षा में है या नहीं। वहीं हुड भॉय की टिप्पणियों पर पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूजर्स ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और जिन्होंने हिजाबी महिलाओं पर उनके हमले के लिए प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक की खिंचाई की। इसी बीच पाकिस्तान के समा टीवी की एक प्रमुख एंकर ने हुड भॉय की टिप्पणियों के खिलाफ अपना आक्रोश दर्ज करने के लिए एक लाइव प्रसारण के दौरान अपना चेहरा बुरके से ढकने का फैसला किया और एंकर किरण नाज ने हुड भॉय की उस विवादित टिप्पणी की निंदा की जिसमें महिलाओं को हिजाब पहनने को असामान्य बताया गया था। नाज ने यह भी याद दिलाया कि कैसे हुड भॉय ने कहा था कि स्कूल में इस्लामी शिक्षा प्रदान करना छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालने जैसा है। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए कोबरा पोस्ट हिंदी को सब्सक्राइब करें और अलर्ट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। और हाँ दोस्तों, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।